मुझे ना आपसे अपने दादा दादी और पापा मम्मी की शिकायत करनी है। बाबा शान से बताते थे घर बनाने के लिए पेड़ कटवा दिए, कारें भी उन्होंने दो दो रखी थी, दोनों डीजल पीने वाली धुआं उगलने वाली। दादाजी मूंछों पे ताव दे के सवारी करते। अब्बा मुझे प्यार से जलपरी बुलाते हैं, पर पानी की वैल्यू एक बूंद नहीं। हर बार उनके कमरे में मैं बंद करती हूँ। पापा का लैपटॉप तो 24 घंटे ऑन रहता है। कार चलाते हैं तो एक्सीलेटर से ज्यादा हॉर्न दबाते हैं। माँ को हर साल फोन चाहिए न्यू वाला। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का कूड़ा इकट्ठा हो गया। कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट बहुत डालते हैं। चार कपड़े भी हो तो भी वॉशिंग मशीन घंटों चलती है। जब हम पैदल चलना चाहे मम्मा कहती है हमारे पास तो कार है। लेकिन अब देखिए ना क्या हो गया। समर और विंटर वेकेशन की जगह अब पॉल्यूशन की भी छुट्टियां होने लगी। हमारी बड़ी बड़ी कारें धूल खा रही हैं। सुंदर सुंदर कपड़े अलमीरा में बंद हैं। कोई साथ खेलने ही नहीं आता। सब घरों में बंद है। सपनों में पहिया नहीं झूले आते हैं। फिर क्यों मेरी साइकिल के पहिए अब धूल खाते हैं? फिर क्यों हम स्कूल जाने को तरसते हैं? फिर क्यों हम बच्चे खुलकर नहीं मुस्कुराते हैं? पापा मम्मी दादू दादी की गलती की सजा हमें मत दीजिए गॉड। उनकी गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। सॉरी ईश्वर, सॉरी गॉड, सॉरी अल्लाह, सॉरी भाई, सॉरी धरती, सॉरी सॉरी आकाश, सॉरी पानी। जिंदगी के लिए मैक्सिमम की नहीं मिनिमम की जरूरत होती है, अधिकतम की नहीं न्यूनतम की जरूरत होती है। गांधी बाबा कहते थे प्रकृति हमारी जरूरत का तो दे सकती है, हमारे लालच का नहीं। हम बच्चों के लिए लालच छोड़ो। प्लीज प्रकृति को मत छेड़ो। सॉरी गॉड, सॉरी गॉड, सॉरी सॉरी।